गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफस्टाइल ब्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों, अभी जो है सुबह का 10 बज रहा है और आज है दिन शुक्रवार। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह के 10 बजे से हो रही है और हमारी छत में खिली खिली धूप के साथ हो रही है। तो बस यहाँ पे मैं अपनी छत पर बैठी हूँ और मॉर्निंग क्लीनिंग वाले सारे काम खत्म करके नहा कर आई हूँ और आज मैंने हेयर वॉश भी किया हुआ है। तो बस धूप बहुत अच्छी निकली थी तो बस छत पर आ गई कि धूप भी लग जाएगी और बालों को भी सुखा लूंगी। तो दोस्तों, आपको बता चुकी हूँ कि मुझे अपनी ननिहाल जाना है मामा के घर। तो आज मुझे जो है ना अपने ननिहाल निकलना है अपने मामा के घर। तो बस सुबह जल्दी से उठ के जो है ना मामा के घर जाने की तैयारी बड़ी खुशी खुशी कर रही हूँ और बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि मुझे मामा के घर आज निकलना है। सो गाइस, तो एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह का जो है, पहले भी बता चुकी हूँ कि सुबह का 10 बज रहा है और अभी जो है ना फाइनली जो है सारे काम ख़त्म कर चुकी हूँ और पैकिंग भी सारी हो चुकी है। और बताया तो है ही आपको कि मामा के बेटे की शादी है और मैं जा रही हूँ अपने ननिहाल। और हमारे ननिहाल में मेरे मामा के घर में पहली बार काफ़ी दिनों के बाद होने जा रही है शादी। तो फिलहाल जो है पूरी पैकिंग हो चुकी है, पैकिंग तो मतलब रात में ही कर ली थी। और अभी जो है ना यहाँ से तैयार होकर पहले मैं निकलूँगी खटई के लिए, लूँगी वहाँ से मम्मी को, मैं और मम्मी साथ में जाएंगे और हमको छोड़ने जाएंगे निशांत मेरे देवर जी। तो निशांत जो है ना हमें छोड़ने के लिए जाएंगे। तो फिलहाल पैकिंग वगैरह हो चुकी है और पता है कहीं भी जाना हो तो जब तक घर से पूरा प्रॉपर रेडी होकर अच्छे से निकल ना जाओ तब तक खुद को यही लगता रहता है कि अभी कुछ कमी बाकी है, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा। तो फिलहाल ऐसा ही मेरे साथ हो रहा है। तो फिलहाल जो है हेयर वॉश करके नहा कर पूजा करके अभी जो है ना आई हूँ ऊपर और हेयर वॉश कर रखा है। तो बस सोचा बालों को थोड़ा सा धूप में आ जाती हूँ ताकि बालों में थोड़ी सी धूप लग जाए और बाल जल्दी से सूख जाए। तो फिलहाल छत पे आई हूँ थोड़ी देर के लिए। तो बालों को अच्छे से जो है ना पोंछ के अच्छे से जो है ना सीरम वगैरह लगा लिया, क्या ना सीरम लगा लेती हूँ बालों को। वॉश करने के बाद मैं सीरम जरूर अप्लाई करती हूँ बालों को क्योंकि सीरम लगाने से क्या है ना बाल बिल्कुल स्मूथ और स्ट्रेट रहते हैं। तो फिलहाल चलिए अभी जो है, और आज देखो काफ़ी सारे कपड़े भी धुल रखे हैं मैंने, काफ़ी सारे कपड़े भी धुल कर फैलाए हुए हैं कि जाने से पहले कपड़े भी जो है ना सूख जाएँ तो जो है ना फोल्ड करके उनको रख के तब जाऊँगी क्योंकि आजकल मौसम का कुछ भरोसा नहीं है। तो फिलहाल चलो अभी तो छत पे आए हुए थे बालों को सुखाने के लिए। तो फिलहाल अब चलते हैं नीचे, करते हैं नाश्ता वगैरह। तो देखते हैं कि शिवानी ने यानी मेरी देवरानी ने क्या नाश्ता बनाया है। तो फिलहाल चलते हैं नीचे और नाश्ता वगैरह करते हैं। और साइड की जो चुटपुट वाली तैयारी है वो तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो कहीं भी जाना हो ना तो जब तक घर से निकल ना जाओ तब तक सारी तैयारियाँ अधूरी ही रहती है। तो फिलहाल चलो सबसे पहले चलते हैं नीचे और करते हैं पेट पूजा। यहाँ पे आ गई हूँ मैं अपनी किचन में और सुबह की जो है नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो एक साइड मेरी देवरानी ने भी कुछ नाश्ता बनाया हुआ है और दूसरी साइड मैं भी बना रही हूँ। तो मैंने सोचा कि नाश्ते में बनाऊँ क्या, तो मैंने सोचा कि चलो आज मॉर्निंग में जो है चिप्स फ्राई कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं चिप्स फ्राई कर रही हूँ और एक साइड जो मेरी देवरानी है वो बना रही है चाय और पराठे। तो बस हम दोनों जो है नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद जो है ना मिल के साथ में बैठ के गर्मा गर्म नाश्ते का मजा लेंगे। तो बस यहाँ पे जो मम्मी है, तो आज जो हमारे घर के सामने आंटी जी रहती है ना, तो उनके बेटे आकाश की आज बारात जानी है। तो मम्मी जो है ना बारात के लिए जो की बुलवा लगता है घर पे निकासी होती है ना, तो उसके लिए मम्मी रेडी हो रही है और शायद मम्मी चली भी गई है और यहाँ पे बारात जल्दी निकल रही है ना। और एक साइड यहाँ पे मैं और मेरी देवरानी शिवानी हम दोनों बैठकर जो है ना बढ़िया आराम से हॉल में बैठकर नाश्ता कर रहे हैं और शिवानी मुझे कुछ मोबाइल में दिखा रही है। तो बस नाश्ता करते जा रहे हैं, बातें करते जा रहे हैं। और आज मुझे ननिहाल निकलना है तो उसकी पैकिंग सारी हो चुकी है। बस नाश्ता करने के बाद अब मैं भी जो है ना रेडी हो जाऊंगी। क्या है ना रेडी होने में भी टाइम लग जाता है और मैं जाऊंगी अपने ननिहाल निशू के साथ, अपने देवर जी के साथ। तो वो अभी ड्यूटी गए हुए हैं और वो जब वापस आएंगे तब मुझे लेकर जाएंगे मेरे ननिहाल यानी रायबरेली रोखा मुझे छोड़ने के लिए। तो बस नाश्ता करूंगी और नाश्ता करने के बाद फिर जो है ना अपनी तैयारियों में लग जाऊंगी क्योंकि लड़कियों की तैयारी कभी खत्म नहीं होती, उनका कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। सो गाइस, तो फिलहाल मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और वहाँ पे जैसा कि है हल्दी मेहंदी का प्रोग्राम आज ही है, तो मैंने पहनी है येलो साड़ी और रेड स्वेटर। तो फिलहाल ये कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और थैंक यू शिवानी को। मतलब हम पहले दूसरी साड़ी पहन रहे थे लेकिन शिवानी ने बोला भाभी ऐसे पहनो, ये साड़ी पहनो तो ज़्यादा आपके ऊपर खिलेगा। तो फिर मैंने शिवानी के अकॉर्डिंग यही चीज़ पहनी है, यही साड़ी। तो फिलहाल सच में बहुत अच्छी लग रही, मुझे भी अच्छी लग रही है। तो अभी जो है ना निशु ड्यूटी से नहीं आए हैं, जब निशु ड्यूटी से आ जाएंगे ना तब हम लोग को लेकर निकलेंगे
और हम तो रेडी होके बैठ गए, हमको नींद आ रही है, नहीं सुबह इंतजार करते करते। तो फिलहाल नींद आ रही है तो क्या करें, चलो फटाफट चाय बना लेते हैं। तो जब तक चाय बनाएंगे तब तक निशु आ जाएंगे और चाय पीते हैं। चलो फटाफट बनाते हैं चाय, उसके बाद फिर निकलेंगे, पहुंचेंगे इनका पता नहीं। अभी मेरे देवर जी जो है ना थोड़ा लेट से आए थे, करीब शाम को 6 बजे वो आए, उसके बाद वो जो है तुरंत रेडी हुए और मुझे लेकर निकल गए। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग आ गए हैं खटई, यानी मेरी मम्मी और पापा भी जाएंगे मेरे साथ में मामा के यहाँ। तो यहाँ पे मम्मी और पापा बिल्कुल रेडी थे, तो यहाँ पे आए हम लोग और बस चाय पी, और चाय पीने के बाद जो है तुरंत गाड़ी में जो है बाबू ने और पायल ने मिलकर गाड़ी में सारा सामान लगवा दिया, और बस यहाँ पे मैं मम्मी पापा जो है ना बिल्कुल जो है रायबरेली निकलने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो गाड़ी बैक हो रही है और मैं और मम्मी पापा जो है काफी सालों बाद मैं मम्मी पापा हम तीनों एक साथ नानी के यहाँ जा रहे हैं। जब मैं छोटी थी करीब आज से 10-12 साल पहले, तब मैं और मम्मी पापा जो है ना साथ में गए थे, शायद पूजा दीदी की शादी थी, पूजा दीदी की शादी में मैं मम्मी पापा तीनों एक साथ गए थे, और उसके बाद से शायद हम तीनों एक साथ आज जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आज मैं मम्मी पापा तीनों हम साथ नानी के घर जा रहे हैं। सो गाइस, तो फाइनली भी बज चुका है रात का 11 और मैं आ चुकी हूँ अपनी नानी के यानी अपने मामा के घर, शादी वाले घर में हम लोग पहुँच चुके हैं। और पता है हम लोग को आने में बहुत लेट हो गया था, हम लोग 6-7 बजे हम लोग निकले हैं, 6 बजे कानपुर से निकले हैं, और मम्मी को लेने के बाद हमें 7 बज गया था जो है खटई से अपने गांव से यानी मेरे मायके से निकलते निकलते। तो मैं, मेरे मम्मी पापा और निशांत, हम 4 लोग आए थे। तो फिलहाल हम अभी जो है यहाँ पर हम लोग पहुँचे 11 बजे, तो काफ़ी लेट हो गया, सब लोग सोने जा रहे थे, खाना वगैरह खा के सबसे लास्ट गेस्ट हम ही थे आज के यहाँ के। तो फिलहाल अभी तो फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं और निशांत हमें छोड़ के वापस कानपुर जा चुका है, और अब चलो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं कि हमारे गांव में मतलब शादियाँ कैसे होती। शहर वाली शादी तो सबको पता होती किस तरीके से होती है ना, सब खा पी के मस्त सो जाते हैं, पर गांव में इस तरीके से नहीं होती। गांव में उस शादी को पूरा फुल एंजॉय किया जाता है और पूरे जो देसी रीति रिवाज होते हैं ना उनसे शादी की जाती है, शादी होती है। तो फिलहाल चलो चलते हैं अंदर, क्योंकि अंदर जो है ना ब्याह वाले गाने, ब्याह बोलते हैं उनको, वो वाले गाने शुरू हो गए हैं। अंदर चलते हैं और सबको दिखाती हूँ कि अंदर कौन कौन है, आधे लोगों को मैं जानती हूँ, आधे लोगों को नहीं जानती हूँ। तो चलो सबसे मिलते हैं। चुके हैं हम लोग मेरी नानी के घर, और ये है मेरी नानी का घर। तो हम लोग जो है ना शादी ब्याह वाले घर में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए मंडप जो है सज चुका है, कलश जो है गोठा जाता है ना यहाँ पे, तो वो भी दोपहर में रस्म हो चुकी है। अब जो है शाम को यहाँ पे जो है ना मंडप के नीचे थोड़े से ब्याह वाले गाने गाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी नानी बैठी है, मौसी बैठी है, मेरी मामी है, सभी लोग है। अब हम जा रहे हैं, ये है मेरी बड़ी मामी का घर। तो बड़ी मामी की बेटे की शादी है और यहाँ पे ये बैठी हैं मेरी प्यारी प्यारी भाभियाँ। तो ये है कल्पना भाभी, बड़ी भाभी हैं ये, और भाभी ने बहुत ही प्यारी मेहंदी लगाई है। और ये है छोटी भाभी कविता भाभी। तो आज जो है ना हल्दी की और मेहंदी की दोनों ही रस्में थी दोपहर में, दोपहर से ही प्रोग्राम स्टार्ट था, लेकिन मैं जो है ना थोड़ा सा लेट हो गई। मैं यहाँ पे रात में 10 बजे पहुंची तो सारे प्रोग्राम खत्म हो चुके थे और सब नाच गाना सब डांस वगैरह हो चुका था, सबकी मेहंदी लग रही थी। तो बस ये आ गई मेरी दिल्ली वाली मौसी, मेरी सबसे छोटी मौसी, और ये मौसी की नातिन यानी मेरी भतीजी। तो बस यहाँ पे जो है ना सबकी मेहंदी वगैरह लग चुकी थी, और उसके बाद फिर से जो है ना मेरे भाइयों ने, ये है सूरज मेरी मौसी के बेटे, और यहाँ पे मौसी के बेटे थे, मामा के बेटे थे, सभी थे, सारे सभी भाइयों ने मिलके जो है ना आरा फिर जो है ना म्यूजिक बजाया बिल्कुल बिंदास वाला, और फिर यहाँ पे क्या धमाकेदार जो है ना डांस हुआ है, लेडीज डांस, ऑसम, बहुत मजा आया। सच में बहुत सालों बाद मैंने जो है ना इतना एंजॉय किया अपने ननिहाल में। जब छोटे थे ना तब तो बचपन था, सब लोग आते थे, खेल कूद मौज मस्ती होती थी, और बहुत सालों के बाद आज ये जो है मौका, ये मोमेंट आया है जो हम सारे भाई बहन इकट्ठे होके एक साथ मौज मस्ती कर रहे हैं, और पूरी मेरी ननिहाल फैमिली यहाँ पे इकट्ठे है। तो ये है पारो मेरी मौसी की सबसे छोटी बेटी, मेरी सबसे छोटी बहन, और मेरे मामा की बेटी आकांक्षा। ये है कल्पना भाभी मेरी मौसी की बड़ी बहू, और ये है सत्यम मेरी दिल्ली वाली मौसी का बेटा सत्यम, ये मेरी मौसी खड़ी हुई है, और सभी लोग बहुत मौज मस्ती कर रहे हैं, बहुत डांस हो रहा है यहाँ पे, और सब एक से बढ़कर एक, मतलब एक नंबर डांस कर रहे थे, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। तो बहुत ही मजा आ रहा था, लग रहा था ना कि रात जो है ना ये डांस ऐसा ऐसे ही चलता रहिए। देखो सूरज और सत्यम का क्या ऑसम डांस कर रहे हैं दोनों, नाचो नाचो नाचो। तो यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने जो है ना म्यूजिक नहीं दिया है, डांस से जो है ना जो गाने थे जो म्यूजिक थे वो मैंने हटा दिया है। तो दोस्तों मैंने
म्यूजिक इसलिए हटाया है क्योंकि अगर मैं जिस गाने पे हम लोग डांस कर रहे हैं और अगर हम लोग यहाँ पे गाना यूज करेंगे ना, तो मेरे वीडियो में कॉपीराइट आ जाएगा, जो कि मुझे यूट्यूब से अथॉरिटी नहीं है कि मैं ये गाने वगैरह जो है ना एक साथ डालूं, तो कॉपीराइट आ जाएगा मेरे वीडियो में, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस वजह से मैं जो है ना कोई भी जो गाना है या कोई भी सॉन्ग यहाँ पे अपनी वीडियो में यूज नहीं कर सकती, तो यहाँ पे मैंने इसलिए बैकग्राउंड म्यूजिक दिया हुआ है। तो बस चलो यहाँ पे अपनी पूरी फैमिली के साथ मस्त डांस एंजॉय करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। और हल्दी और मेहंदी का फंक्शन, भाई मैं तो दोपहर में पहुंच नहीं पाई, मैं तो शाम को आई हूँ, मतलब रात में आई हूँ, तो चलो मैं रात में ही हल्दी और मेहंदी दोनों एंजॉय कर लेती हूँ और जम के अपने भाई की शादी में नाच लेती हूँ। आखिर भाई मेरे वीरे दी वेडिंग है, तो इसमें मौज मस्ती डांस और फन सब कुछ होगा और बहुत ही धमाल करने वाले हैं हम लोग। तो चलो फिलहाल अभी डांस पे फोकस करते हैं, यहाँ पे डांस हो रहा है और शायद कोई पुराना गाना हो रहा है, ऐ मेरी जौहर जबी करके कुछ ऐसे, हाँ यही गाना था शायद, और सब मस्त नाच रहे थे। और पहली बार मैंने देखा मेरी मम्मी भी खूब जम के नाच रही थी, बहुत डांस कर रही थी, और मेरी मम्मी ने भी बहुत एंजॉय किया यहाँ पे। तो चलो अभी हम लोग भी डांस पे फोकस करते हैं थोड़ा सा। तो फिलहाल यहाँ पे डांस करते करते टाइम का पता ही नहीं चला और करीब यहाँ पे रात का बज रहा था एक, तो जो है 1 बजे तक बहुत ही जमकर डांस हुआ। तो सबसे पहले तो मैं अपने दोस्तों से कहना चाहूंगी कि जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। सो गाइस, तो अभी नाच गाना डांस सब हुआ खत्म, 12:30 बज गया, 12:30 पूरा हो चुका है और यहाँ पे रात में बन रही है। अब यहाँ पे माठ माठ बन रही थी, माठ का भी कुछ शायद कल पूजा में, कल जानी है बारात, तो शायद कुछ इसका भी कल कुछ पूजा वगैरह में लगेगी, तो यहाँ पे पारो और मेरी मौसी मिलकर माठे बना रहे हैं। तो चलिए माठ बन बन रही है, थोड़ा मैं भी देखती हूँ कैसे बनेगी और यहाँ पे ब्लॉग भी एंड करते हैं और कल मिलते हैं मेरे वीरे की बारात में। और हाँ जी, अगर वीडियो को फुल वॉच नहीं किया है तो फुल वॉच कीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। बाय बाय।